So students, we are talking about a new concept in the chapter National Instrument and Related Aggregates. Concept ka naam hai Domesticity of Country. Domesticity of Country padhna kyun zaruri hai? Kyunki jab hum national income ke aggregates padhte hain, jo वैसे तो बहुत सारे but major 8 aggregates, 8 aggregates aapke chapter mein, aapke course mein hain. वो हैं GDP, NDP, GNP and NNP. और ये वापस रिपीट होंगे किसी और रेफरेंस में, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर दो हमारे एग्रीगेट्स में डी कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज डोमेस्टिक कंसेप्ट, और दो एग्रीगेट्स के अंदर एन वर्ड आ रहा है, दैट इज नेशनल कंसेप्ट. यानी इनकम डोमेस्टिक लेवल पे भी काउंट होती है और नेशनल इनकम पे, नेशनल लेवल पे भी काउंट होती है. हमारा चैप्टर का नाम नेशनल इनकम, यानी इनकम को हम नेशनल लेवल पर पढ़ रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे जाने से पहले डोमेस्टिक लेवल पे भी इनकम कैलकुलेट होती है. तो भाई एग्जैक्टली डोमेस्टिक लेवल पे होता क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट क्या है? अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट समझ गए तो आगे जाके जब मैं डिफाइन करूंगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जबकि जब मैं कहूंगा जीएनपी, दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ये नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम को बिलोंग करता है. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझते हैं. तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री की बात अगर हम करें तो कॉमन पर्सन क्या कहेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या समझेगा या कहेगा कि भाई जो इंडिया का मैप है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हुआ, जहां पर उसके लिए पर्सन के लिए मतलब हुआ, कॉमन पर्सन के लिए मतलब हुआ कि उसके हिसाब से इंडिया इंडिया जो है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इंडिया के मैप में जो आ रहा है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी. बट इकोनॉमिक्स इसको केवल इतना ही नहीं मानता है. इकोनॉमिक्स इसको क्या कहता है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल बाउंड्री तक ही मत रहो, बल्कि आप यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी को समझो, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के कंसेप्ट को फॉलो करो. अब इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी का सीधा सा मतलब है एक ऐसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हक है या गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना पोजीशन शो कर सकती है, विद इन विच पर्संस, गुड्स, कैपिटल्स कैन सर्कुलेट फ्रीली. फिर से बोल देता हूँ, इकोनॉमिक्स कहते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट क्या है, आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी को बिलोंग करता है, इकोनॉमिक टेरिटरी को बिलोंग करता है. इकोनॉमिक टेरिटरी होने का मतलब ये है कि आप ऐसे एरिया की बात कर रहे हो जिसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पोजीशन है, और पोजीशन होने की वजह से उसके अंदर उस एरिया में पर्सन, आपकी कंट्री का पर्सन या आप, आपके गुड्स, आपके कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है या फ्रीली मूव कर सकती है. जैसे आपने कई मूवीज में देखा होगा कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, या जैसे हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसा हम दिखाते हैं कि हमारे एंटागोनिस्ट के प्रोटैगोनिस्ट किसी दूसरी कंट्री में क्राइम कर देते हैं, और वहां के लॉ से बचने के लिए वो क्या करते हैं, उस कंट्री में अपनी कॉन्सुलेट या एम्बेसी में चले जाते हैं. मान लीजिए हमारा प्रोटैगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट जो है अमेरिका में एक क्राइम कर देता है. अब वो अगर अमेरिकन सॉइल पे है, लेकिन वो अमेरिकन सॉइल पे रहते हुए इंडियन एम्बेसी में है, तो एक तरीके से वो इंडियन गवर्नमेंट की शरण में है, रेफ्यूज में है, तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा. तो सोच सुनिएगा, इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ है, अमेरिका में, लेकिन वहां पर इनडायरेक्टली रूल किसका चल रहा है, इंडिया का चल रहा है, तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर चला जाता है. आप हम इसको ऐसा नहीं मानते कि हम क्रिमिनल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और समझाने के लिए आपको समझाया गया, सो डोंट टेक इट इन एनी रॉन्ग मैनर. ओके, अब थोड़ा सा इसको और डिटेल डिस्कस करते हैं. तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री का वो इकोनॉमिक टेरिटरी है जहां पर आपकी कंट्री की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पोजीशन होती है, और उसमें आपके कंट्री के पर्सन्स, आपकी कंट्री के गुड्स, आपकी कंट्री की कैपिटल फ्रीली मूव कर सकती है. अब एक बात बताइएगा, हम लोग राजस्थान में बैठे हैं, अगर हम लॉकडाउन को और कोविड गाइडलाइंस को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें या नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, तो क्या मैं यहाँ से जयपुर ट्रैवल कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से दिल्ली में ट्रैवल कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से तमिलनाडु में ट्रैवल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ.
मैंने बोल दिया कि कोविड लाइक गाइडलाइंस को अभी थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दो, नॉर्मल सिचुएशंस की बात करो तो मैं कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता हूँ। क्या मैं इन तीनों में से किसी भी जगह पर अपना बिजनेस आसानी से एस्टेब्लिश कर सकता हूँ? मेरी इच्छा है। क्या मैं अपने गुड्स को मूव करा सकता हूँ? यस, मैं करा सकता हूँ। लेकिन यही बातें अगर मुझे सोचनी पड़े अपार्ट इंडिया, मान लीजिए मैं रशिया जाने की बात कर रहा हूँ, मैं इसको हम कह सकते हैं अमेरिका जाने की बात कर रहा हूँ, चाइना जाने की बात कर रहा हूँ, तो मुझे वीजा, पासपोर्ट्स और बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यानी अदर कंट्रीज में इतना फ्रीली में मूव नहीं कर सकता। तो समझिएगा, इंडिया का मैप जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो गया, लेकिन इसके अलावा भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में बहुत कुछ शामिल होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में क्या क्या शामिल होता है, लेट्स रीड इट। सबसे पहले टेरिटरी विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। आपका इंडिया का मैप जो है, ये आपकी कंट्री का मैप जो है, वो सब आपके इकोनॉमिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। लेकिन इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स, आप जानते हैं कि इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है, तो उस इंडियन ओशियन में भी हमारे को एक पर्टिकुलर एरिया तक मूव करने का राइट है, वहां पर हम अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंडिया का टेरिटोरियल वाटर। तो इंडिया के मैप के बाद भी, इंडिया के मैप के बाद भी जो इंटरनेशनल वाटर्स बने हुए हैं, टेरिटोरियल वाटर्स हैं। टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब है हर कंट्री जो किसी सी, ओशियन के आसपास है, तो सी या ओशियन में मूव करने का उसको राइट बनता है, सर्टन एरिया तक मूव करने का राइट बनता है, तो वो उसका टेरिटोरियल वाटर है। तो इंडियन ओशियन में भी हमें एक सर्टन एरिया तक मूव करने का राइट है, तो वो हमारा टेरिटोरियल वाटर या हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। नेक्स्ट थिंग, जितने भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे, अब जैसे समझिए इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एयर इंडिया का एक प्लेन इंडिया में ट्रैवल कर रहा है, तो वो ऑब्वियस है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। लेकिन अगर वो इंडिया से ट्रैवल करके बाहर किसी कंट्री में चला गया, तो क्या वो किसी दूसरी कंट्री का हो गया? नहीं, वो अभी भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया का ही बिलोंग करता है। और जब तक वो प्लेन बाहर जाके वहां खड़ा है, तो वो प्लेन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। वरना सोचिए, आपका प्लेन जैसे ही आपकी कंट्री को क्रॉस करता है, दूसरी कंट्री उसके ऊपर अपना पोजीशन शो करने आ जाती है। तो शिप्स, एयरक्राफ्ट या कोई भी व्हीकल इस तरीके से मूव कर रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, तो दूसरी कंट्री में एंटर होते हुए दूसरी कंट्री का नहीं हो गया, उसके ऊपर अभी भी पोजीशन आपकी कंट्री का ही है। आपकी कंट्री का कोई शिप, आपकी कंट्री का कोई एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट आपकी कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया या उसके ऊपर दूसरी कंट्री का हक हो गया। अभी भी उस प्लेन के ऊपर, उस एयरक्राफ्ट के ऊपर आपकी कंट्री का पोजीशन माना जाएगा और वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, भले ही वो कितने भी दिनों के लिए आपकी कंट्री से बाहर है। ओके, नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैस एंड ऑयल रिग्स और एनी टाइप ऑफ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जो पानी में तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स हैं या एक स्काई में उड़ते हुए प्लेटफॉर्म्स हैं। इन इंटरनेशनल वाटर्स आर परमिटेड एरिया। अब जैसे एक तो मैंने आपको बताया बेटा टेरिटोरियल वाटर, आपकी सी बाउंड्री के आसपास कुछ हद तक अराउंड 12-16 किलोमीटर का एरिया आपको कवर करने का राइट होता है, जो आपका टेरिटोरियल वाटर होता है। इसके बाद अब जैसे मान लीजिए इंडिया का साउथ हम देखते हैं, इंडिया के साउथ में श्रीलंका भी है, तो कुछ इंडिया का टेरिटोरियल वाटर होगा, कुछ श्रीलंका का टेरिटोरियल वाटर है। लेकिन इसके अलावा इंडियन ओशन बहुत बड़ा एरिया है, तो हर कंट्री इसमें अलग अलग अगर ऐसे कैप्चर करने लग जाएगी तो उसमें बहुत सारे इश्यू होंगे। तो यूएन ने एक कंसेप्ट और दिया है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स एक ऐसा स्पेस होता है जो किसी एक कंट्री को बिलोंग नहीं करता है, बल्कि उसे कोई भी कंट्री यूज कर सकती है। और अगर आपको याद हो तो चेन्नई एक्सप्रेस में आपको एक सीन याद आएगा जिसमें हमारे प्रोटैगोनिस्ट शाहरुख खान कुंभलगांव से भागते हैं एंड फिर अपने आप को एक सी एरिया में पाते हैं और वहां पे जाके आपको उनको पता चलता है कि वो एक इंटरनेशनल वाटर्स है। ना वो इंडिया के वाटर स्पेस में है, ना श्रीलंका के वाटर स्पेस में है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में है। अब लेटर ऑन आपने देखा होगा कि ऐसे टाइम पे उनको वापस से उस कंट्री में भेजा जाता है, उस एरिया में भेजा जाता है जहां से वो बिलोंग करते थे।
तो देखिएगा ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वो इंडिया से चले थे, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट थे, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर हक जो बनता है वो किसका बनता है, इंडिया का। भले ही वो कौन से स्पेस में पहुंच गए, इंटरनेशनल स्पेस में पहुंच गए, इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंच गए, बट अल्टीमेटली वो बिलोंग किसको करते थे, इंडिया को बिलोंग करते थे, इसलिए वापस उनको उस कुंभन गांव जो कि इंडिया में ही था वहां भेजा गया। तो फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैस एंड ऑयल रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंटरनेशनल वाटर्स और परमिटेड एरिया। परमिटेड एरिया वो एरिया है जहां पर जो डायरेक्टली आपकी कंट्री को बिलोंग तो नहीं करते हैं, लेकिन उन कंट्रीज में या उस एरिया में आपको वर्क करने का परमिट है, लाइसेंस है, या किसी तरीके की ट्रीटी या किसी तरीके के समझौते के तहत, तो कोलैबोरेशन के तहत आप स्पेस में वर्क कर सकते हैं। तो ये सब भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। एंड फाइनली ऑल योर एम्बेसीज, ऑल योर कॉन्सुलेट्स, ऑल योर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स इन अब्रॉड आर योर डोमेस्टिक टेरिटरी। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख देता हूं। एयर इंडिया प्लेन फ्लाइंग इन दुबई स्काई, ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। हमारा कोई एरोप्लेन, हमारा कोई फिशिंग वेसल किसी दूसरी कंट्री में खड़ा है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। इसी तरीके से एम्बेसी की बात करो, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहीं अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका, रशियन एम्बेसी इन इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया, इंडियन एम्बेसी इन रशिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, मिलिट्री बेस ऑफ अमेरिका इन अफगानिस्तान, भले अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस बना हुआ है लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी है इसका अमेरिका। ऐसे ही अगर अमेरिकन हमारे यहाँ एक मिलिट्री बेस बना देते हैं तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका में काउंट होगा, जबकि हम अगर अमेरिका में एक मिलिट्री बेस बना देते हैं तो हमारा मिलिट्री बेस जो अमेरिका में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। एयर इंडिया प्लेन फ्लाइंग इन दुबई स्काई, मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब दुबई एयरवेज का कोई प्लेन है, दुबई एयरवेज प्लेन इन इंडिया, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है किसकी, दुबई की, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। नो डाउट हमारे स्पेस में है बट इसके ऊपर हम किसका माना जाएगा, दुबई की गवर्नमेंट का माना जाएगा, दुबई की एयरवेज का माना जाएगा। सो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया है आगे जाके जब आप नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ोगे तो कुछ कंसेप्ट डोमेस्टिक लेवल पे पढ़ाए जाएंगे, कुछ कंसेप्ट नेशनल लेवल पे पढ़ाए जाएंगे। सो हैव ए गुड कंट्रोल और गुड ग्रैप ओवर दिस।